अमरपाटन का 600 वर्ष पुराना अनोखा मंदिर, जहां बिना छत के रहते हैं भगवान हनुमान। कहा जाता है कि इस मंदिर में छत निर्माण करवाने वाले की या तो मौत हो जाती है या फिर वो मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। इसके साथ ही यहां पर नारियल बांधने वालों की मुराद भी पूरी हो जाती है। मैहर के पपरा पहाड़ पर स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर का क्या है रहस्य, जानिए इस रिपोर्ट में। मैहर जिले के अमरपाटन के पपरा पहाड़ स्थित दक्षिण मुखी हनुमान जी बड़े ही रहस्यमय हैं। जहां पर हनुमान जी का मंदिर तो है, पर इस मंदिर में छत नहीं है। इसकी भी एक वजह बताई जाती है। आज से कई सौ साल पहले इस जंगल में खुद से हनुमान जी की एक मूर्ति प्रकट हुई और यहाँ पर कोई पुजारी 2 दिन से ज्यादा नहीं रुक पाता था। एक दिन एक महाराज आए और उन्होंने हनुमान जी के चरणों में अपना जीवन अर्पित करने की बात कही और तब से इस मंदिर में पूजा पाठ की शुरुआत हुई। यहाँ से लोग की मान्यता है कि यहाँ पर जब भी कोई छत का निर्माण करवाता है तो या तो उसकी मौत हो जाती है या फिर वो पागल हो जाता है। इसलिए आज भी ये मंदिर 3 शेड के सहारे है। पूर्वजों के द्वारा यह जानकारी मिली है हम लोगों को कि कभी काफी वर्ष पहले यहाँ पर घने पेड़ थे चारों तरफ, उसको कटाई कर रहे थे निर्माण कार्य के लिए कि यहाँ कुछ निर्माण कराया जाए। तो काटने वाले जो थे लेबर, वो जो कटवा रहे थे काम कराने के लिए, उन वो पागल हो गए और वो टांगी लेके उन्हीं को दौड़ पड़े। काम बंद कर दिया गया। फिर रात में उनको स्वप्न हुआ कि हम यहाँ तपस्या कर रहे हैं, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं करना है। तो तब से यहाँ पर कोई निर्माण नहीं ऐसे किया है। सब लोगों में यही किस्सा है, यही तैयार होते हैं है। लोग यहाँ निर्माण के लिए तैयार हैं, लगे हैं प्रयासरत में, लेकिन किसी की अभी वहाँ तक पहुँच नहीं है। ये स्वयं प्रकट हुए हैं यहाँ पर कोई है। चारों तरफ एक टापू टाइप का मैदानी भाग है ये, और इसमें स्वयं हुआ है। इतना ही नहीं, इस मंदिर से आस्था रखने वाले लोगों की मुरादें भी पूरी होती है। दूर दूर से लोग अपनी मुरादें लेकर दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर आते हैं। पुजारी का कहना है कि यहाँ पर पेड़ों में बंधे सैकड़ों नारियल लोगों की मन्नत के हैं। मान्यता है कि लोग जब अपनी कोई मुराद मांगते हैं तो पहले नारियल को चुंडरी से इस पेड़ में बांधते हैं और जब मान्यता पूरी हो जाती है तो इस नारियल को प्रसाद के रूप में चढ़ा देते हैं। रहस्य है कि जैसे यहाँ कोई दिन दुखी आता है, किसी के पास में बच्चे नहीं है, किसी के पास में मतलब कोई अन्य मर्ज हो गए हैं और मतलब उनका साथ रोग घेर लिया है, डॉक्टर ना बोल रहे हैं, और वो ऐसे दिन दुखी जो हमारे यहाँ पपरा धाम में आते हैं उनसे हम लोग नारियल बंधाते हैं। और जब नारियल बंधाते हैं तो उनको कहते हैं कि झंडा नारियल, नारियल पहले बांध दीजिए, झंडा लंगोट कथा जो आपके दिल में होगा कि जिस लायक आप होंगे, मानस भंडारा इनका कराएंगे तो आप लोग ठीक हो जाएंगे। और जब वो ठीक हो जाते हैं तो आकर के मतलब कहने के नारियल छोड़ते हैं, मानस करते हैं, भंडारा करते हैं, यहाँ 10 साधुओं को 15 साधुओं को व्यवस्था भगवान की करते हैं, तो वहीं से सब हो रहा है। अरे जो पपरानाथ स्वामी हैं तो आज 31 वर्ष से आशीर्वादी हो चुके हैं, जिसके कारण सबका मनोकामना पूर्ण होती है। इतिहासकारों की माने तो दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर 600 वर्ष पुराना है। खुद से ही हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर प्रकट हुई। कई बार लोगों ने निर्माण करवाने का प्रयास किया पर कोई ना कोई अनहोनी हुई जिसके बाद से निर्माण नहीं हो पाया। कहते हैं कि श्री दक्षिण मुखी हनुमान जी यहाँ पर तपस्या करते हैं और खुले आसमान के नीचे रहना पसंद करते हैं। शायद यही वजह है कि वे यहाँ निर्माण नहीं करने देते। क्या है कि हनुमान जी स्वामी जो है तो दक्षिण मुखी हनुमान जी स्वामी है और ये बहेरा के पेड़ के नीचे है, ऐसी जनश्रुति है पुराने समय से कि हनुमान जी स्वामी यहाँ भगवान के ध्यान में, उनकी भजन में लीन है। और ये बांधवगढ़ में जब लक्ष्मण जी राज्य करते थे तो इनकी रखवाली भी क्या करते थे, ये तो पूरा जंगली क्षेत्र था और यहाँ से होकर के एक रास्ता दक्षिण की ओर जाता था दंडकारण्य क्षेत्र में, और यहीं से भगवान राम भी गुजरे हैं। तो यहाँ वो समाधिस्थ हैं और पसंद नहीं करते ये सब बंधन।
कई लोगों ने प्रयास भी किया लेकिन कुछ अपशगुन हुआ, तो लोगों ने छत नहीं डलवाया। और बहुत सिद्ध हैं हमारे इस मुकुंदपुर धाम मनका में भी इनका उल्लेख हुआ है, मैंने किया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।